मैडम असली फोटो और वीडियो भेजने वाला गिरफ्तार हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये मेरे द्वारा एक ये अभियान चलाया जा रहा था जिसमें एंटी रोमियो स्क्वाड्स को और इंस्पेक्टर महिला थाना को ये स्पेशल टास्क दिया गया था कि एरिया में कहीं पर भी स्कूल्स कॉलेजेस कोचिंग सेंटर्स के आसपास जहां पढ़ने वाले छात्र छात्राएं रहते हैं वहां पर इस तरह के अश्लील कंटेंट को चाहे फोटो वीडियो पेन ड्राइव के माध्यम से सीडीज के माध्यम से अश्लील गानों की सीडीज या कैसेट्स के माध्यम से कोई सेल बिक्री ना हो या अश्लील लिटरेचर जैसे पुस्तकें नॉवल इस तरह की बिक्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के आसपास ना हो। उसी क्रम में आज एक हम लोगों को बड़ी सफलता मिली है जिसमें इंस्पेक्टर महिला और अमेठी थाने की एंटी रोमियो टीम द्वारा एक छापा मारा गया और उसमें एक व्यक्ति है चांद बाबू, वो बीआरओ ऑफिस के पास ही अपनी छोटी दुकान चलाता है और वहाँ अपने लैपटॉप में वो इस तरह का ऑब्सीन कंटेंट रखता है और वो वीडियोस को पेन ड्राइव में छोटे बच्चों को छात्र छात्राओं को बेचता है। तो उसी को आज गिरफ्तार किया गया है और उसमें 67A, 67B और 14/15 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा कायम हुआ है। कुछ और मैम पूछताछ में सामने आया कि कुछ लोगों को दिया भी है इसने या फिर ऐसा कुछ? माइनर्स को दिया है, माइनर बच्चों को दिया गया है और उसका कोई सेल का या उनके नाम और उनकी आई कार्ड का कोई भी लेखा जोखा ये नहीं मेंटेन करता था, लेकिन फिर भी उस एरिया में हमारे एंटी रोमियो स्क्वाड को मैंने निर्देशित किया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाके बच्चों की काउंसलिंग करें और बच्चों की अध्यापकों के माध्यम से प्रिंसिपल के माध्यम से उनकी एजुकेशन हो, उनकी अवेयरनेस हो और यदि इस तरह से आगे भी चल के हम लोग इस तरह की कार्रवाई करेंगे और आगे किसी स्टिंग में किसी छापे में इस तरह के हम लोगों को तथ्य सामने आते हैं तो फिर आगे भी हम लोग बड़ी कार्रवाई करेंगे।